भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने गिरते पड़ते जबरदस्त तरीके से श्रीलंका के हौसलों को पस्त किया। बड़ी बात यह है कि आज का मुकाबला बेहद फंसा हुआ रहा, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद, श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन तरीके से यहां पर पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी। मैच का पूरा ब्यौरा बता दें कि श्रीलंका के कप्तान दसुन चनाका ने टॉस जीता और टॉस जीतकर किया यहां पर पहले बैटिंग का फैसला। उनका साफ कहना था कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं, पिच पर रन्स लगाएंगे बोर्ड पर और उसके बाद आगे की देखेंगे कि रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है। भारतीय टीम की तरफ से पहला झटका दिया श्रीलंका को मोहम्मद सिराज ने जब अविष्का फर्नांडो को उन्होंने सीधा बोल्ड मारा। 17 गेंदों में 20 रन अविष्का ने बनाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की तरफ से दूसरा जो झटका दिया वो कुशल मेंडिस के रूप में लगा। कुशल मेंडिस और फर्नांडो के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन उस साझेदारी को 17वें ओवर में तोड़ा कुलदीप यादव ने, सीधा LBW आउट किया। इसके बाद नुआनिदु फर्नांडो जो कि अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, 63 गेंदों में 50 रन बनाकर शुभमन गिल ने उन्हें रन आउट किया। धनंजय डिसिल्वा पहली गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद पर सीधा बोल्ड आउट हो गए। चरित असलंका 21 गेंदों में 15 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। दसुन चनाका 4 गेंदों में 2 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने। वदनिंदु हसरंगा 17 गेंदों में 21 रन बनाकर उमरान मलिक का शिकार बने। विला गिले को यहां पर सिराज ने आउट किया, 34 गेंदों में 32 रन उन्होंने बनाए। अक्षर पटेल ने उनका बेहतरीन कैच लपका। उसके बाद चमिका करुणारत्ने ने 25 गेंदों में 17 रन बनाए। लहरू कुमारा शून्य पर आउट हुए। कसुन रजिता यहां पर 21 गेंदों में 17 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की गेंदबाजी की यदि बात की जाए तो भारत की गेंदबाजी बेहतरीन रही। मोहम्मद शमी 7 ओवर 43 रन, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज 6 ओवर 30 रन, 3 सफलताएं। हार्दिक पांड्या 5 ओवर 26 रन, कोई सफलता नहीं। उमरान मलिक 10 ओवर 48 रन, 2 विकेटें। कुलदीप यादव 10 ओवर 51 रन, 3 विकेटें। अक्षर पटेल 5 ओवर 16 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता, जिसके जवाब में जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही। ताबड़तोड़ अंदाज में रोहित और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर चमिका करुणारत्ने ने कुशल मेंडिस के हाथों रोहित शर्मा को कैच आउट कराया। 21 गेंदों में 17 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। इसके बाद 12 गेंदों में 21 रन बनाकर लहरू कुमारा की गेंद पर पुल करने के चक्कर में अविष्का फर्नांडो को कैच दे बैठे शुभमन गिल। 5 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। विराट कोहली पिछले मुकाबले के शतकवीर, 9 गेंदों में 4 रन बनाकर कुमारा का शिकार बने, सीधा इन स्विंगर पर बोल्ड हुए। श्रेयस अय्यर 33 गेंदों में 28 रन बनाकर रजिता का शिकार बने, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने पारी को पूरे तरीके से न सिर्फ संभाला बल्कि सवारा भी, जिसकी बदौलत भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। अब यह देखना होगा कि अगले मुकाबले में श्रीलंका किस तरीके से वापसी करती है। हालांकि आपको बता दें कि जिस अंदाज से भारत का एक बार फिर आज कोलैप्स हुआ है वो वाकई में एक चिंता का सबब है। ये साल वर्ल्ड कप का साल है। कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ को अब काफी कुछ सोचने की जरूरत है। एक बात तो तय है कि भारत अगर इस तरीके के मुकाबले में फंसेगा, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, तो फिर क्या एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।